उधर पंजाब कांग्रेस के नवे प्रधान से नवा कलेश शुरू हो चुके है। साबका विधायक सुरजीत मान ने राजा वड़िंग का विरोध किया, कहते हुए नजर आए कि प्रधान बनन दे योग राजा वड़िंग नहीं है, कहते हुए नजर आए ने। सो पंजाब कांग्रेस के नवे प्रधान चुन लिते गए ने। पंजाब कांग्रेस के नवे प्रधान उत्ते कलेश भी इस दिन ही शुरू हो चुका है। सो कह सकते हैं कि हाईकमान के इस फैसले को स्वीकार कुछ आगुआं दे वलों नहीं किया जा रहा। सुरजीत मान दे वलों राजा वड़िंग का विरोध किया गया, कहते हुए नजर आए कि राजा वड़िंग एक सूटेबल कैंडीडेट नहीं है, एप्रोप्रिएट कैंडीडेट नहीं है, टुकवा नहीं है ने राजा वड़िंग इस अहदे के लिए, यह कहते हुए नजर आए ने सुरजीत मान। सो राजा वड़िंग जो अहदा दिता गया है उस उत्ते गल करते हुए नजर आए ने। पीडीसी न्यूज के फोन उत्ते गलबात दौरान हाईकमान के फैसले का विरोध करते हुए सुरजीत मान नजर आए तो कहते नजर आए कि यूथ कांग्रेस प्रधान रेंदे वड़िंग से कई इल्जाम भी लगे ने, मैं अजिहे शख्स को नहीं मानता अपना प्रधान। सुरजीत मान कहते हुए नजर आए फोन लाइन से पीडीसी के नाल गलबात करते हुए सुरजीत मान दे वल्लों अपने दिल की पड़ास कढ़ी गई हाईकमान के फैसले नू अयोग कहते हुए नजर आए। रुक कर लैने साडे सहयोगी इस खबर से पड़े हुए अंकुश महाजन। अंकुश देख रहे हैं जिवें ही ऐलान हुंदा उवें ही हजे पूरा एक दिन भी 24 घंटे भी नहीं बीतते तो इस सब विचकार पूरा विरोध भी शुरू हो जाता है। सुरजीत मान दे वल्लों जो पीडीसी के नाल गलबात की पई तो पूरा विरोध करते हुए नजर आए, दिल की पड़ास निकलती पई सी उन्होंने अंदर। संकुश के नाल फिर तो गलबात करने की कोशिश करांगे जरूर, पर इस सब विचकार ये जानकारी तौर तक पहुंचा दिए कि बीती रात ही कांग्रेस हाईकमान के वलों अहदे दे दिते गए ने, ते इस सब विचकार अहदियां उत्ते कलेश हो चुकिया है। टुकवा नहीं दस्या जा रहा, योग नहीं दस्या जा रहा, अयोग दस्या जा रहा है। रुक कर लैने एक बार फिर तो साढ़े बने हुए ने सहयोगी अंकुश महाजन। अंकुश विरोध हो रहा है हाईकमान के फैसले नू स्वीकार नहीं किया जा रहा, सुरजीत मान का भी प्रतिक्रम सामने आया, कहते मैं उन्हें मानता ही नहीं है अपना प्रधान। बिल्कुल काफी सुरजीत मान ने साफ कर दिया है कि मैं राजा वड़िंग को अपना प्रधान नहीं मानता, क्योंकि राजा वड़िंग प्रधान बनने के लायक नहीं है, कांग्रेस की कमान संभालने के लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि जो ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के प्रधान थे तब उन्होंने तेलंगाना समेत कई सूबे जाके टिकटा वेचन के जोड़े उन्होंने आरोप लगे थे, तो उस तो बाद उन्होंने खुद राहुल गांधी ने ही पार्टी जोड़े अहदे तो हटा दिता सीगा। ते हुण एक बार फिर जो कांग्रेस का उन्होंने कमान सौंपी गई है कि कांग्रेस में एकजुट नहीं कर पाएंगे, कांग्रेस की कमान उन्होंने हथा के सुरक्षित नहीं है, इसलिए उन्होंने अपना प्रधान नहीं मानते। कि अपनी उन्होंने जी रिसेंटमेंट है वो मीडिया के राही जी हाईकमान तक पहुंचाने की कोशिश की, तो साफ कह दिता है कि मेरी ये इंडिविजुअल राय है तो मैं राजा वड़िंग नू अपना प्रधान नहीं मानता। तो हम कह सकते हैं सीधे तौर पर जिस तरीके की नाराजगी नवजोत सिंह सिद्धू की जी अपॉइंटमेंट जो हुई थी तो उस वे भी कई विधायकों के देखने मिली थी, तो हम एक बार फिर जो नवी टीम बनाई गई है उसनों लैके भी हम सवाल खड़े हो गए हैं। कांग्रेस के पहला ही जी गुटबाजी काफी हावी है, तो एक बार फिर गुटबाजी नवे प्रधान बनते सारी सामने आ गई है, तो नवे प्रधान नू लेके भी जेड़े साबका विधायक है उन्होंने भी अपनी नाराजगी जता दी है, तो साफ कह दिता है कि वो राजा वड़िंग नू अपना प्रधान नहीं मानते ने। जी जी काफी जी जी फिलहाल थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश इस तमाम जानकारी के लिए। सो प्रधान तो पंजाब कांग्रेस का अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग नू थाप दिता गया हाईकमान के वलों, पर इसका विरोध भी हो रहा है। साबका विधायक सुरजीत मान दे वल्लों राजा वड़िंग का विरोध करदे होए कहा गया मैं तो इन्हां नूं अपना प्रधान मानदा ही नहीं, ये कह दिता है सुरजीत मान ने, कहते प्रधान बनने की योग ही नहीं ने राजा वड़िंग, उन्होंने कई इल्जाम लगे ने ये कहते हुए नजर आए। पीडीसी न्यूज़ के नाल जो फोन उत्ते गलबात की गई तो गलबात करके हाईकमान के फैसले का विरोध भी करते हुए नजर आए, तो कहते नजर आए यूथ कांग्रेस प्रधान रहिंदे होए वड़िंग उत्ते तेलंगाना च टिकटा वेचण के इल्जाम लगे ने, पर बावजूद इस दे हाईकमान के वलों जो फैसला लिता गया है बिल्कुल भी सही नहीं है, अयोग कैंडीडेट ने राजा वड़िंग, कहते हुए नजर आए सुरजीत मान।